हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले पश्चिम बंगाल के एक इंडस्ट्रियल और पोर्ट सिटी हल्दिया के सफर पे। हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ सैकड़ों छोटे बड़े इंडस्ट्री मौजूद हैं। ये कोलकाता से 124 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 1660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्दिया शहर 109 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की आबादी 2 लाख से भी अधिक की है, जिसमें यहाँ 85.24% हिंदू और 14.59% मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों हल्दिया एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जहाँ कई सारी इंडस्ट्री मौजूद है, जिसमें हल्दिया रिफाइनरी, हिंदुस्तान एनर्जी लिमिटेड, एक्साइड, शाह वालेक, टाटा केमिकल, हल्दिया पेट्रोकेमिकल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे यहाँ प्रमुख इंडस्ट्रीज मौजूद है। हल्दिया को भारत के मेजर ट्रेड पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है, जिसमें ये कोलकाता समेत बंगाल के निचले क्षेत्रों के पोर्ट कनेक्टिविटी के रूप में एक प्रमुख साधन के तौर पर उभरा है। इसे भारत के प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें यह 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ा है। इस मार्ग में कुल 12 बंदरगाह आते हैं, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, पाकुड़, कोलकाता और अंत में हल्दिया आता है। बीते कुछ सालों में यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डेवलप किया गया है, जिसमें यहाँ साफ चौड़ी सड़कें, ओवर ब्रिजेस, बेटर ट्रैफिक कंजेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के सी पोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स के समान विकसित किया गया है, जिससे हमें यहाँ काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकता है और इस वजह से यहाँ कई सारे टाउनशिप और सोसाइटीज़ को बनाया गया है। यह इंडियन कोस्ट गार्ड का बेस मौजूद है, जो कि बांग्लादेश से हो रहे इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं और हमारे कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों एक समय में यहाँ कुछ मात्रा में जापानीज डायस्पोरा के लोग निवास करते थे, जिस वजह से इसे जापानीज टाउन भी कहा जाता था। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के महिषा दल राजबाड़ी, सिटी सेंटर, गोपाल जीव टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, हल्दिया डेक पोर्ट और हल्दिया रिवर व्यू पॉइंट पे आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ का हल्दिया रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो कि इसे कोलकाता समेत भारत के अन्य बड़े शहरों से कनेक्ट करता है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 116 द्वारा तामलुक, कोलाघाट और कोलकाता से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, मगर आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत समेत विश्व के अन्य बड़े शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए।